हेलो, वेलकम टू वीडियो। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी की बुक्स। उसमें हम पढ़ रहे हैं सिक्स क्लास की हिस्ट्री, हिस्ट्री की बुक। पेन चल जा भाई। हाँ, हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री, हिस्ट्री सिक्स क्लास की, जिसका नाम है हमारे अतीत फर्स्ट। उसमें हम नाइन्थ चैप्टर पढ़ चुके थे। अब पढ़ रहे हैं टेंथ चैप्टर, जिसका नाम है नए साम्राज्य और राज्य। अरविंद राजा बन गया। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में एक राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। उसने सोचा कि वह स्थाई वेशभूषा और मूंछों के साथ ताव देते हुए रुपहले कागज के लिपटी तलवार को सन से पकड़कर चहल कदमी करेगा। जरा सोचिए उसे कितना हैरत हुई होगी जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर वीणा भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। एक राजा संगीतज्ञ कौन हो सकता है? वो अरविंद सोचने लगा, वो राजा कौन है भाई, क्या बताती हैं प्रसिद्धियाँ। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में उसे हमें इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। उसकी रचना समुद्र के दरबार में कवि एवं मंत्री रहे हरिश्चरण के द्वारा एक महाकाव्य के रूप में की गई। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रसिद्धि कहते हैं। यह संस्कृत शब्द के शब्द हैं जिसका अर्थ है प्रशंसा। प्रसिद्धि लिखने का प्रचलन पहले भी था, जिसको अध्याय 9 में पढ़ चुके हो। गौतमी पुत्र सत्कर्णी की प्रसिद्धि के बारे में पढ़ा होगा, परंतु गुप्त काल में इसका महत्व और बढ़ गया। समुद्रगुप्त की प्रसिद्धि आओ देखें। समुद्रगुप्त की प्रसिद्धि हमें क्या बताती है? कवि ने अपने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसने ईश्वर के बराबर बताया है। में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। यहाँ कैसे वैसे ही एक वाक्य का अंश नीचे दिया गया है, वो पढ़ते हैं। उसमें लिखा गया है योद्धा समुद्रगुप्त, जिसके शरीर युद्ध मैदानों में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बंचों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों से, दागों से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखाई दिखता है। यह वर्णन उसे उस राजा के बारे में बताता है। राजा किस प्रकार का युद्ध लड़ते थे? अगर तुम मानचित्र 7 पृष्ठ संख्या 105 में देखोगे तो पाओगे कि एक क्षेत्र में हरे रंग से रंगा गया है। तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। उसी तरह कुछ क्षेत्र बैंगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे। ये मानचित्र एक प्रसिद्धि के कारण जानकारियों के आधार पर बनाए गए हैं। हरिश्चरण 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यव्रत के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। और दूसरा पॉइंट है कि के बाद दक्षिणी पथ के 12 शासक आते हैं, जिसमें से कुछ ही राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब के हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण कर दिया। समुद्रगुप्त ने इन्हें फिर से शासक बनाने की अनुमति दे दी। ये साइड में दिए हुए हैं, वो है वीणा बजाते हुए वाला राजा। ये समुद्रगुप्त के कुछ गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया है, जैसे इन सिक्कों में तुम्हें वीणा बजाते हुए दिखा गया है। ये मानचित्र देखें तो 5 पे दिया हुआ है ये मानचित्र, जिसमें क्या क्या है। मानचित्र 7 पेज नंबर 105 वाला, प्रमुख नगर एवं राज्य, जिसमें है
ये है ऊपर थानेसर, यहाँ पे है मथुरा, यहाँ है कन्नौज, यहाँ है प्रयाग, यहाँ है पाटलिपुत्र, यहाँ है नालंदा, यहाँ है उज्जैन, यहाँ है वल्लभी, भरूच, सातवाहन, अजंता, अमरावती, एलोह, चालुक्य, पल्लव, कांची पुरम, ये चोल, मदुरई, पांड्यन, चेर, इसमें आगे दिया हुआ है पॉइंट नंबर 3, पड़ोसी देशों का आतंकी घेरा बैंगनी रंग से रंगा गया है। इसमें असम तटीय, नेपाल, बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण अंग आते हैं। वे समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, इनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा इनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। चौथा पॉइंट है बाहरी इलाकों के शासक, इन्हें नीले रंग से रंगा गया है, संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इनमें श्रीलंका के शासक भी थे जिन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। मानचित्र के में प्रयाग अहमदाबाद का पुराना नाम, उज्जैन तथा पाटलिपुत्र ढूंढो दिखा हुआ है। ये गुप्त शासक के महत्वपूर्ण केंद्र। आर्यवृत्त तथा गिर्थ दक्षिण वृत्त के पथों के साथ समुद्रगुप्त के व्यवहार में क्या अंतर था? क्या इस अंतर के पीछे तुम्हें कोई कारण दिखाई देता है? फिर है वंशावलियां। वंशावलियां में है अधिकांश प्रसिद्धियां शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती हैं। यह प्रसिद्धियों की समुद्रगुप्त के प्रतिपिता पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती हैं। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवी गण की राजी की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराजाधिराज जैसे बड़ी उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने भी ये उपाधि धारण की। उसने दादा और परदादा का महाराजा के रूप में उल्लेख है। इससे यह अभ्यास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बड़ा बढ़ता गया। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व के आरंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इसे संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इन उपाधियों के महत्व के हिसाब से सजाओ। राजा, महाराज, धीराज, महाराजा। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इसके बाद में शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली, पूर्वजों की सूची से भी जानकारी मिलती है। इसके बारे में अभी लोग तथा सिक्कों से प्राप्त से पता चलता है जिन्हें पश्चिम भारत में सैन्य अभ्यास के में अंतिम शक शासक को परास्त किया। बाद में वे ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा भरा था। इसमें से कुछ के बारे में जानकारी अध्याय 11 में लास्ट अध्याय में मिलेगी। हर्षवर्धन तथा हर्ष चरित्र। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में उल्लेख अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ समय कुछ अन्य शासकों के बारे में भी उनकी जीवनी से पता चलता है। जैसे एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। इनके दरबारी कवि बाण भट्ट ने संस्कृत में इनकी जीवनी हर्ष चरित्र लिखी। उसमें हर चरित्र की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने का वर्णन है। चीनी तीर्थयात्री स्वेन त्यांग, जिसके बारे में तुमने अध्याय 9 में पढ़ा, काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने वहां जो कुछ देखा उसका विवरण नीचे उसका विस्तृत विवरण दिया गया है। हर्ष अपने माता पिता में सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने के पर थानेसर के राजा बने। उसके बहनों कन्नौज मानचित्र कन्नौज के शासक थे
जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीत कर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्षिण की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। भारत का राजनीतिक मानचित्र देखो और सूची बनाओ कि जब हर्षवर्धन बंगाल तथा नर्मदा तक गए होंगे तो आज के किन किन हिस्सों से गुजरे होंगे। पल्लव चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रसिद्धियां। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिणी भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों में लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्यों की राजधानी एलोरा थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया। कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे जिन उनके बारे में हमें के दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रसिद्ध से पता चलता है। इसमें उनके पूर्वजों खासतौर पर पिछली चार पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्री तटों या इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष का हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया जिसे कांचीपुरम के दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी, पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाइयों में दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लव और चालुक्यों को अत्यंत राजकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। इसके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे। वे कौन कौन से अन्य शासक थे जो तटों पर अपना नियंत्रण चाहते थे, अध्याय 9 में देखो। इन राज्यों तथा प्रशासन कैसे चलता था। पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। प्रशासन की प्राथमिकता इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद आनुवंशिक बन गए तथा अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे, जैसे कि कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंडयान अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिसेन एक महादंड नायक थे होने के साथ साथ कुमारामात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि ग्राहक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। संभवतः वहां के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इसमें प्रमुख सृष्टि यानी कि मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलीन यानी अर्थात प्रमुख शिल्पकार तथा कायस्थों यानी कि लिपिकों के प्रधान लोगों जैसे होते थे।
आगे बढ़े तो इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ इनमें कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। सोचकर बताओ कि अफसरों का पद आनुवांशिक कर देने पर क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। एक नए प्रकार की सेना। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। इसके साथ साथ कुछ सेनानायक भी होते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेनानायकों को कोई सीमित वेतन नहीं दिया जाता था। बदले में इनसे कुछ को भूदान दिया जाता था। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। जहां कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, वे सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। फिर दक्षिण के राज्यों में सभाएं। पल्लवों के अभिलेखों में कई सभाओं, स्थानीय सभाओं की चर्चा मिली। इसमें एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों में भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहां उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इसमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शब्द शताब्दियों तक काम करती रही। उस जमाने के आम लोग, जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक तो हमें नाटक तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं। इसका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नामक की एक युवती के प्रेम की कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली। एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की, पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निगल गई। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर महाराजा राजमहल पहुंचा, तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आया। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुआ और उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे के इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े। आज अगर किसी गरीब आदमी को कुछ मिलता है तो वो पुलिस से खबर करता है, तो क्या उसके साथ इसी तरह का बर्ताव किया जाएगा? एक प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बताओ जिसने प्राकृत में उपदेश दिए, और एक राजा का नाम बताओ जिसने प्राकृत में अपने अभिलेख लिखे। तो बुद्ध हो गए और राजा अशोक। चीनी यात्री फासियान का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए वे लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। यह आवाज सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचते थे। एक जगह बाण भट्ट द्वारा अभी यान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है।
राजा की सेना, राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर राजा यात्रा करते थे। उसमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग के आने वाली चीजें जैसे बर्तन, असबाब जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे, खाने पीने का सामान, बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीजें शामिल होती थी। ये सारी चीजें ठेले गाड़ियों या ऊँटों पर या हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाई जाती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतज्ञ नगाड़े, बिगुल, लता, तुरही बजाने वाले चलते रहते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांवों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़ तथा फूलों का उपहार लाते थे तथा जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि उनकी शिकायतों या कोई अनुरोध उनके सामने रख सकें। पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिलों में जुते बैल इस हरकत भरे माहौल से डर कर भाग जाते थे। बाण भट्ट लिखते हैं, पूरी दुनिया धूल से गर्त में डूब जाती थी। सेना के साथ ले जाई जाने वाली चीजों की सूची बनाओ। ग्रामवासी राजा के लिए क्या-क्या लेकर आए। अन्यत्र में है मानचित्र ये वाला, उसमें अरब ढूंढो। मरुस्थल, मरुभूमि होते हुए भी सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र रहा है। दरअसल अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने के एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बेदुइन थे जो घुमक्कड़ कबीले होते थे। ये प्रमुख रूप से ऊँटों पर आश्रित होते थे क्योंकि यह एक ऐसा मजबूत जानवर है जो मरुभूमि में भी स्वस्थ रह सकता है। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब के इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना। इनके बाद सभी को समान माना गया है। यहाँ इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अंश दिया गया है। मुसलमान स्त्रियों और पुरुषों के लिए विश्वास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, भक्त स्त्रियों और पुरुषों के लिए, सच्चे स्त्रियों और पुरुषों के लिए, धैर्यवान और स्थिर मन वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, दान देने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, उपवास रखने वाले स्त्री और पुरुषों के लिए, अपनी पवित्रता बनाए रखने वाले स्त्री और पुरुषों के लिए, अल्लाह को हमेशा याद करने वाले स्त्री और पुरुषों के लिए, अल्लाह ने इन सब के लिए ही क्षमा और पुरस्कार रखा है। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। अरब नाविक जो इस उपमहाद्वीप की तटीय बस्तियों से पहले ही परिचित थे, अब अपने साथ इस नए धर्म को भी ले आए। अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध, आज के पाकिस्तान, को जीत लिया था। मानचित्र 6, उन रास्तों को ढूंढो जिसमें नाविक और सिपाही उपमहाद्वीप में आते होंगे। कल्पना करो कि हर्षवर्धन की सेना अगले हफ्ते तुम्हारे गांव आने वाली है और तुम्हारे माता पिता उनके लिए तैयारी कर रहे हैं। वर्णन करो कि वे क्या क्या बोल रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं। उपयोगी शब्द इसमें है प्रशस्ति, आर्यावर्त, दक्षिणीपथ, वंशावली, अनुवांशिक पदाधिकारी, सामंत, सभा और नगरम। इसी के साथ ये हुआ चैप्टर खत्म। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।